हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का आपका मूवी हीरोपंती 2 का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली आ चुका है। बहुत ईगरली वेट भी हो रहा था कि कौन सा और अब नया हमको स्टंट्स देखने मिलेगा और कुछ अलग स्टोरी, फिर से फाइटिंग वाइटिंग होगा। जबरदस्त हम उनका साथ दिए भी थे, कुछ एक उनका लंदन शेड्यूल का कुछ एक जो एक्शन सीन का स्टंट था प्रैक्टिस के टाइम वो दिए, तो बहुत मजा आया था देखने के लिए। दोस्तों तो दोस्तों हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ तारा सुधारिया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत दिन बाद फिर से पर्दे पे दिखेंगे। अच्छा। तो वो एक एक्साइटमेंट रहेगा उनको देखने के लिए। साजिद नाडियाडवाला का प्रोडक्शन है, पैसा बंद खर्च हुआ है एंड अहमद खान का डायरेक्शन है। अहमद खान काफी मूवीज आप मुझे लगता है कर चुके हैं टाइगर श्रॉफ के साथ, तो उनको मालूम है उनके साथ कैसे काम करना है। बागी सीरीज उन्हीं का ही है पूरा, बागी 3 उनका। हीरोपंती भी पहले काम किए क्या वो उनके साथ? है ना, हीरोपंती हाँ वही मैंने किए काम, तो जानते हैं एक दूसरे को। एंड ये दोस्तों 29 अप्रैल को आने वाला है, देखते हैं दोस्तों हीरोपंती ऑफिशियल ट्रू में क्या हमको और देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये देरी नहीं करते हैं, ये रिएक्शन देते हैं। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। मुझे मादों के तो जादू कौन दिखाएगा? इसको ये हंसी ये ले सब जादू देखो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वांट बबलू राणा बत्तू। वाह, जमकर कोट ले लिया। कैसे स्टंट कर रहा है यार ये सब भी? भाई क्या है, स्टंट तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। ए आर रहमान मालूम नहीं था। हो सकता था, सेक्स हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया क्योंकि तुम भाग गए ना। लगता है जब मैंने कहा था तो पाकिस्तान बन रहा था और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। म्यूजिक यार वो इंसिडेंट रोबो याद आ गया मुझे। हेलो मैजिशियन है कुछ? ओके ओके साइबर क्राइम का भी है तो भी साला था। फटी फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फटे? अच्छा फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फटे? अरे वाह, रिंग ब्लास्ट हो गया कैसे था? स्टार्ट तो नहीं किया। लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आने पड़ेगा। ओह मैजिक का भाई खतरनाक दिख रहा है वो भी। हैरी पॉटर याद आ गया? हाँ उसमें भी तो हैरी पॉटर। अरे ये तो अल्टीमेट करता है यार, स्टंट तो टाइगर टू गुड यार, इंटरनेशनल लेवल का स्टंट है। ये गाड़ी पे गाड़ी चल रहा है। अरे बाप रे, ये क्या आई सेम भाई, बहुत हो गई तेरी हीरोपंती। हो रहा था सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। कितना सारा स्टार्ट देगा ये अच्छा लगा कि जिसके लिए टाइगर श्रॉफ सबसे फेमस है और जिसमें
मेरे हिसाब से अभी करंट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेल करते हैं, नंबर वन पे है एक्शन स्टंट्स का, उनके लेवल का भी कोई नहीं है। वो इतना फिटनेस पे जो ध्यान देते हैं और जो बचपन से वो जो स्टंट्स मार्शल आर्ट सीख सीख के आ रहे हैं वो दिख रहा है यार, पूरा परफेक्शन के साथ कर रहे थे, इतना मजा आता है एक्शन सीन सब देखने के लिए। ओवरऑल दोस्तों पूरा फन राइड होने वाला मेरे हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग में नवाजुद्दीन का कैरेक्टर थोड़ा सा कॉमेडी लगा, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे सीरियस लग गया। वो साइको जैसे नहीं होता क्या थोड़ा? माने पूरा उतना नहीं लगा स्टार्टिंग में, पर लास्ट में काफी खतरनाक लगा। माने वो मजाक वजाक कर रहे होंगे लेकिन है पूरा क्रिमिनल नहीं, पूरा एक तरह से वैसा वाला कैरेक्टर है। और क्या था रहमान जी का म्यूजिक था, मुझे नहीं मालूम था यार रहमान का है, वो एक अलग है, तो वो एक मजा आने वाला है। और मैं बस नॉट इम्प्रेस्ड विद तारा सुतरिया का जो वॉइस, पता नहीं या कुछ हुआ था, वो डबिंग की है या खुद का आवाज है, मुझे उतना लाइक अच्छा लगा नहीं उनका वो चीज। एंड ओवरऑल तो अच्छा लगा दोस्तों, स्टोरी एक्चुअली क्या है मालूम नहीं, क्योंकि उनका एक ही जगह कहीं पे वो थोड़ा सा रो रहे थे, ऐसा लगा कुछ रिवेंज वाला कुछ है या बैक स्टोरी क्या है मालूम नहीं। और वो कुछ इसमें दिखा रहा है जैसे कि जो स्पाई एजेंट जैसा है, इनको बुलाया जा रहा लैला से फाइट करने के लिए बबलू का, तो फाइट्स तो मेरे हिसाब से ये मूवी का हाईलाइट फाइट्स ही रहेगा। और देखते दोस्तों फाइट्स एंड आई गेस रहमान का म्यूजिक। नौजुद्दीन सिद्दीकी का एक्टिंग हम जानते हैं दोस्तों, वैसा वो कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि वो जो एक अपना लेवल सेट कर चुके हैं उसको वो पार करते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा जो हंसी वाला और ऐसा वाला पहले भी हम देखे हैं नौजुद्दीन करते हुए। तो मैं लाइक टच वुड होप कर रहा हूँ कि अच्छा हो, डिसअपॉइंट ना करे। कभी कभी बहुत सारा ट्रेलर अच्छा दिखता है फिर वैसा था, बट ये तो अच्छा लगा दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या हमको देखने मिल सकता है। टाइगर साहब तो पूरा इम्प्रेस किया है, पूरा खुश कर दिया उनको देखते ही। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।